विधायक जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर और सादौरा में नवीन कन्याशाला भवन स्वीकृत कराकर लाए थे। दोनों ही कन्याशालाओं के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश शासन ने विधायक के विशेष प्रयासों से स्वीकृत की थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने स्कूल भवन बनाने में रुचि नहीं दिखाई, जिससे प्रशासन द्वारा स्थल चिन्हित नहीं किया गया और स्वीकृत 3 करोड़ रुपए की राशि वापस चली गई। कन्या उच्चतर स्कूल बनाने के लिए आनन फानन में बगैर किसी योजना को मूर्त रूप देते हुए शहर के बीचों बीच अशोक हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग नगर पालिका मुख्य अधिकारी के मौखिक आदेश पर भवन को तोड़ दिया। नया भवन बना नहीं और संचालित हो रहे अशोक हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। पिछले 18 माह से अशोक हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है और यहां पर गंदगी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। खंडहर हुए स्कूली मैदान में अब नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। तो वहीं शहर के प्रसिद्ध श्री तार वाले बालाजी मंदिर से सटा हुआ ये स्कूली खंडहर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी आहत करता है। शादौरा में जहां कन्या स्कूल के लिए जगह का चयन हुआ था, उस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने से वो अतिक्रमण में है, जिसे प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करा पाने में असमर्थ साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर शहर के एकमात्र गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में क्षमता से अधिक छात्राएं हैं। कन्या उच्चतर स्कूल भवन में लगभग 1000 छात्राओं की क्षमता है, जबकि वहां 2000 से अधिक छात्राएं पढ़ने आती हैं। पढ़ने आ रही छात्राओं के लिए न खेल का मैदान है और न ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। विधायक जज्जी द्वारा शहर में अधिक से अधिक छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए नया स्कूल भवन स्वीकृत कराया गया था, जिसका बजट जिला प्रशासन की अनदेखी और अरुचि के कारण जहाँ एक और विधायक के सपनों पर पानी फिरा है, तो वहीं छात्राओं के भविष्य को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।